असला अविरीवान वेलकम बैक टू अनदर वीडियो होप दे वेल आज की वीडियो में दो टॉपिक हैं पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड टूर एंड न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच होस्ट करने जा रहा है नाइन्थ जून को उस स्टेडियम के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि उसकी अपडेट दें आप स्टेडियम को डिस्कस ही नहीं किया ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर करीब आता जा रहा है आपमोस्ट कह लें सिर्फ फोर्टी डेज ही रह गए हैं सेकेंड जून से शुरू होना है ट्वेंटी नाइन जून तक खेला जाएगा फिफ्टी फाइव मैचेज होने उसमें पूरा जून का मंथ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा और जो न्यूयॉर्क में न्यू अंडरग्स क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था उसके बारे में जो कमेंट्स बहुत आ रहे थे वो भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट उसके तो स्टैंड पवेलियन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब कंप्लीट होने को है नाइनटी टू नाइन काम हो चुका है इवन चेयर इंस्टॉलेशन तक शुरू हो गई है उसमें स्टैंड रेडी होने को है उसके मैं आपको वीडियो अपडेट कर देता हूँ इन सिक्स मंथ जो रेडी होना है पहले मैं आपको पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के टूर के बारे में भी थोड़ा गाइड कर दू लाहौर लेग अब शुरू होना है जिसने थर्ड टी ट्वेंटी आय सॉरी फोर्थ टी ट्वेंटी आई एंड फिफ्ट टी ट्वेंटी आई होस्ट करना है दो टी ट्वेंटी आए लाहौर साइड पे आपको पता है तीन टी ट्वेंटी आए पिंडी साइड थे जिसमें पहला मैच बारिश की नजर हो गया सेकेंड टी ट्वेंटी आई में पाकिस्तान ने क्या ही परफॉर्मेंस दी ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करना था न्यूजीलैंड की सी टीम से लेकिन थर्ड टी ट्वेंटी आई में फिर वही काम हो गया कि पाकिस्तान टीम से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है वन मिनट आप होते हैं नेक्स्ट मिनट डाउन हो जाते हैं थर्ड टी ट्वेंटी आई में भी तगड़ा स्क्वाड था पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर का कम बैक चार सालों बाद शाहीन अफरीदी और, और नसीम शाह सब खेले तीन टी ट्वेंटी आई मैचेज हुए खरा रोटेशन पॉलिसी सीरीज में ट्राई की जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले मैं आपको लाहौर लेग का भी अपडेट कर देता हूँ अब आप गदाफी स्टेडियम लाहौर में जो बाकी दो टी ट्वेंटी आई मैचेज होने हैं और इस हवाले से लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अब न्यूजीलैंड टूर फिनिश होगा तो क्या वो अपग्रेडेशन शुरू होगी ट्रॉफी के लिए स्टेडियम की उस बारे में भी थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा आज के वीडियो में बहुत से टॉपिक्स हैं तो एंड तक साथ रहिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा आई नो मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूं बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की भी वीडियोज नहीं आ रही बट फिर से एक्टिव होंगे सब प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे ये लाहौर साइड का मैं पहले अपडेट कर दूँ ये जरूरी था पिंडी का मैंने आपको अपडेट कर दिया था और ये अभी की लेटेस्ट फोर्टी है जब यहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंट हुई थी उस दौरान ये फोटेज ली गई है और अब यहाँ पे डिजिटल बॉन्ड्रीज सारी प्रिपरेशन जो है वो कर दी जाएंगी मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो भी अपडेट कर दू जब स्टेडियम रेडी कर लिया जाए जिस तरह पिंडी स्टेडियम का हमने आपको बैक टू बैक अपडेट रखा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच चुकी है और निजी होटल में उनको स्टे करवाया गया है और आपको याद होगा रिसेंटली जो होटल की बात की गई थी वो बिल्डिंग जो बाय की गई थी कदाप स्टेडियम लाहौर की बैक साइड पे अगर वो परचेस कर लिया है और उसको होटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है तो ये जो निजी होटल में इतनी सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड टीम को लाया गया है

टून रही है ये लाहौर स्टेडियम की वीडियो भी आपने देख ली लेटेस्ट भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा न्यूजीलैंड की टीम लाहौर में है ये भी न्यूज आ चुकी है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे न्यूयॉर्क के स्टेडियम के हवाले से जो इतने कमेंट्स आ रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वीडियो कंटिन्यू रखें तो ये इन्फो भी आपको मिल जाएगी कभी कभी वीडियोज में दो तीन टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही टॉपिक पर पूरी वीडियो कवर की जाए क्योंकि वो फिर थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है वीडियो बनाने में भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है बट कभी कभी इस तरह की वीडियो भी आ जाती है कुछ लोग इस तरह वीडियो भी लाइक करते हैं खैर आप कंटिन्यू रखें मैं आपको न्यूयॉर्क के स्टेडियम के बारे में अपडेट कर देता हूँ देखिए वैसे तो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी फोर से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के स्टेडियम मैंने कवर किए थे साथ में यूएसए में जो तीन स्टेडियम सेलेक्ट किए गए हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंट् होस्ट करने के लिए वेस्ट इंडीज साइड के जो मैचे हैं वो उनके पहले बने हुए इंटरनेशनल स्टेडियम में होस्ट होंगे उनमें छह स्टेडियम सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें फेमस स्टेडियम आपको पता भी है का वो क्रिकेट ग्राउंड सर्वेन रिचर्ड का ब्रांड लारा क्रिकेट अकेडमी का किंगस्टन का ओल और इस तरह से प्रोविडेंस जॉर्ज टाउन का और किंग्स उाउन का ये सारा मैंने कवर किया था जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ट्वेंटी थाउजेंड एटीन थाउजेंड से लेकर फिफ्टीन थाउजें से लेकर ट्वेंटी एट थाउजेंडें तक है इन स्टेडियम्स की तो वेस्ट इंडीज साइड पर तो कोई न्यू स्टेडियम नहीं बनाया जा रहा है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए पुराने स्टेडियम में ही प्रेपरेशन करके उनको तैयार किया जाएगा लेकिन यू एस ए साइड पर आप तीनों स्टेडियम जो उनके हैं आलमोस्ट उनको आप कह रहे हैं कि वो न्यू ही होंगे लेकिन उसमें जो एक स्टेडियम है वो न्यूयॉर्क का प्रॉपर वो पूरा स्टेडियम टेम्प्रेरी तौर पर बन रहा है उसके लिए बहुत से कमेंट्स आए थे उनका सब उन उस पर सबका फोकस भी है क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया को होस्ट कर रहा है उसने नौ मैचेस होस्ट करने हैं सिक्सटीन मैचेस में जो यूएसए में होंगे बाकी सिटीज का भी मैं मेंशन कर देता मैं बाकी के जो दो स्टेडियम हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन उनमें भी अभी प्रपेश होना बाकी है हाँ ये कि वो ऑलरेडी स्टेडियम्स हैं तो उसमें इतना काम है नहीं लेकिन जो न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी है थर्टी फोर कैपेसिटी जिसमें होगी वो तो सर से न्यू स्टेडियम बन रहा है बाकी के जो दो स्टेडियम्स हैं वो फ्लोरिडा में है एक और दूसरा जो है वो टेक्सास में है तीसरा ये न्यूयॉर्क ये तीन स्टेट्स एरिया सेलेक्ट किए गए हैं न्यूयॉर्क का नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एज एन होर पार्क में बन रहा है और इसके काम के बारे से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कह लें कि नाइन्टी टू नाइन नाइन्टी वो स्टेडियम कम्प्लीट है उसके बैक साइड पर जो आपको स्टील दिख रहा होता है इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये सारा कवर होगा इसके ऊपर वो कवर जाएंगे वो आपको फाइनल व्यू में नहीं दिखेंगे इसकी थर्टी कैपेसिटी होगी यहाँ के जो रहने वाले थे पैर जब स्टेडियम की जगह के लिए सिलेक्शन की जा रही थी तो जैसा कि पता है कि यू एक तो क्रिकेट नेशन नहीं है ये अभी अभी यहाँ पे क्रिकेट शुरू हुई है और उसकी टीम इस तरह से आगे आई है होस्ट नेशन है तो इसलिए उनकी टीम टीम जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है बीस टीमें हैं साथ में कैनाडा भी उन्होंने भी क्वालिफाई की है तो ये है कि अब यहाँ पे क्रिकेट शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग मिला है क्रिकेट को तो यू को भी अब उन्होंने होस्ट बना दिया आई सी ने ऑब्वियसली सब पैसा तो बोलता है और फिर यू न्यूयॉर्क में ख़ासतौर पर पाकिस्तानी इंडियन बहुत रहते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी उस साइड पर रख लिया गया है नाइन जून को so मैं बता रहा था कि ये जो नसाओ काउंटी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में जो बन रहा है इस एरिया के लिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि उन्होंने एहत भी किया कुछ ग्रुप ने कि यहाँ पर स्टेडियम ना बनाया जाए फिर वो टेम्प्रेरी तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम स्टेडियम बना रहे हैं फिर जब वर्ल्ड कप हो जाएगा जिस तरह से टी मैंने आपको बताया था कतर में जो दो का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी एक स्टेडियम कंटेनर्स की मदद से बनाया गया था फिर उसको डिमोलिश कर दिया था वर्ल्ड कप होस्ट हो जाने के बाद इस तरह से स्टेडियम को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा ये सारी जो आपको स्टैंड दिख रहे हैं ग्रैंड स्टैंड बहुत सारा डिमॉश हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक आउटफील्ड ही होगी उसमें पिच होगी यहाँ के लोगों लोगों ने तजाज किया था कि तो जब क्रिकेट नेशन नहीं है यू तो समझ नहीं आती है आई सी की कि वो यू को होस्ट बना क्यों रहा है और फिर वहाँ वहाँ पाकिस्तान वे पाकिस्तान जैकि हैप भी क्रिएट कर रहा है वहाँ पर तो सिर्फ़ बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में हाँ यह है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पर माउंटेंस हिली एरियाज़ हैं और सिलेक्शन uh, भी इस तो, इसी बुनियाद पर की जा रही थी कि ऐसी जगह उस जगह को सिलेक्ट किया जाए कि वहाँ पे क्राउड आए और क्रिकेट uh, को फ़रोग मिले और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो स्टेडियम कम्पलीटली फुल हो खैर ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में जहाँ पे भी हो आप मार्स में भी रख लें तो वहाँ पर भी लोग उन्हें आ जाना फिल कर देना स्टेडियम को बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा और फिर यू में हो यू में फिर न्यूयॉर्क में हो तो भाई पाकिस्तान इंडियन तो आने वाले हैं जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब स्टेडियम अनाउंस हुआ बनने के लिए अभी स्टेडियम का स्ट्रक्चर ही आया था और काम भी नहीं शुरू हुआ था कि टिकट सारे ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं थर्टी फोर थाउजेंड क्या ही कैपेसिटी होगी पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में हुआ था वो तो एक लाख तीस हजार से ऊपर भी सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए थे जगह नहीं मिल रही थी लोग दो दो तीन दिन पहले आए हुए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने जो है ना बुकिंग्स कर ली थी एक दो रातें गुजारने के लिए ये हालत होगी थी फिर पाकिस्तान में इस तरह से हो और फिर कराची के स्टेडियम में हो तो आप इमेजिन करें यह चलें जरूरी नहीं है कि कराची साइड पर ही हो लाहौर का स्टेडियम भी बड़ा है मुल्तान साइड या किसी सिटी में भी रख लें उस स्टेडियम कम्प्लीटली फुल हो जाने हैं लेकिन खैर कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी स्टेडियम भी इस तरह से कम्प्लीटली फुल हो जाएंगे खैर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों और फिर पाकिस्तान इंडिया में हो तो ऑबियसली होने ही है लेकिन किसी और सिटी में भी किसी और कंट्री में भी हो तो वहाँ पर भी आप देख लेना ऑलरेडी टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं और कम्प्लीटली पैक आपको स्टेडियम देखने वाले बाकी काम के लिहाज से जैसे मैंने आपको कहा कि नाइन्टी नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट काम कम्प्लीट हो गया ग्रैंड स्टैंड रेडी हैं ऑलमोस्ट और ऊपर जो बैक साइड से कवर करना है स्टील को वो किया जाएगा और पोलियन का ग्रैंड स्टैंड का चेयर्स इंस्टॉलेशन का इन मराइल में काम दाखिल हो चुका है उनका स्ट्रक्चर आलमोस्ट रेडी है फिलहाल जो है ना टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर मजीद इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूँ तो फिलहाल जो है ट्रॉफी का टूर चल रहा है वेस्ट इंडीज़ में है इस वक्त ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड क्रिकेटर सन रिचर्ड क्रिस गैल गए थे यू एस ए खैर फिलहाल तो वेस्ट इंडीज़ में है, तो वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड्स जो है वो ट्रॉफी के साथ जो है ना पिक्चर्स वगैरह खींच रहे हैं इस तरह से यू में टूर शुरू हुआ था वहाँ पे वस, आ, क्रिस गेल गए और जो अली खान मेरे ख्याल अली समथिंग लाइक दैट उनका नीम है यू के कैप्टन है आई डोंट नो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसके स्क्वाड का यूएसए का आप बता सकते हैं कमेंट्स में तो यूएसए में पूरा टूर हुआ ट्रॉफी का इस वक्त वो वेस्ट इंडीज़ चली गई है इस तरह से बाकी जो क्रिकेट नेशनस हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बीस कंट्रीज हैं इस बार सबसे बड़ा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होगा टीमों के लिहाज से तो काफ़ी लंबा फॉर्मेट देखने को मिलेगा पचपन मैचेज हैं चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया पांच पांच करके और फिर उसके बाद सेकंड राउंड सुपर एट का शुरू होगा फोर फोर दो ग्रुप्स बनेंगे और फिर इस तरह से सेमीफाइनल एंड फाइनल इस फॉर्मेट के मुताबिक जो है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेला जाना है सो so, ये इनफॉर्मेशन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के वाले से है और इसके अलावा लोग कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान साइड पर विद इन सिक्स मंथ क्यों स्टेडियम रेडी नहीं हो सकता तो भाई वो यू है और ये पाकिस्तान इसको भी आप देखें वहाँ पर मटेरियल का कोई लफड़ा नहीं होता कोई धोखेबाजी नहीं चलती वहाँ पर आप धोखेबाजी करेंगे तो आपको सीधा जाना बस आप समझ जाए वहाँ पर वो ठेकेदारी वाला सिस्टम नहीं होता जो कि हाँ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है खैर वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है बाकी जो क्रिकेट नेशंस हैं आप देखिए उनके स्टेडियम्स किस तरह से हैं इस पर मैं कई बार बहस कर चुका हूँ इस पर आप कमेंट्स करते हैं अक्सर कि वो छः मंथ में रेडी कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता कि आप देख लें कि वो आई की तरफ से चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियंस टीमों वाला टूर्नामेंट होस्ट करने को मिल गया लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं हुआ बाकी तो पिशावर साइड पर जो स्टेडियम्स हैं वो सारा मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता वो तो सात सात साल हो गए उनको और कई बार मैंने आपके साथ वीडियोज़ में शेयर भी किया उसकी तो काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आई बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने को मैं एक हो जाऊँ सब आपके साथ शेयर करूँगा खैर ये वीडियो भी कवर होगी इस तरह से मजीद भी टॉपिक्स पर वीडियोज़ आती रहेंगी आप स्टेट रहिए सोशल मीडिया पर आगे फॉलो कर लें बताइएगा कमेंट्स में कि एक वीडियो में इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स ठीक है या नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़